ओके गाइस, गेस व्हाट, मेरे पास यूट्यूब से सिल्वर प्ले बटन आया हुआ है। मतलब ये मेरा है, मेरे को बिलीव ही नहीं होता कि मतलब मेरा सिल्वर प्ले बटन आ भी गया। मैं इवेंट से जैसे ही घर आई, मेरे डेस्क पे दिस ब्यूटी वॉज देयर, एंड ये यूट्यूब से आया हुआ है। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया से आया हुआ है। तो मतलब मुझे कॉल आई थी एयरपोर्ट से कि आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन एंड ऑल, तब मैं समझ गई थी कि ये बहुत जल्द आ रहा है। बट मुझे अब तक बिलीव नहीं होता है कि मेरे 100K हो गए और मुझे सिल्वर प्ले बटन भी मिला है। सो मैंने सोचा कि यार इसको अनबॉक्स तो आप लोगों के साथ करेंगे, ठीक है, बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ यू ऑल। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया कि आप लोगों ने मेरे 100K करवा दिए, तो ये अनबॉक्स मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। आप लोगों को पता है सितंबर 2021 में मैंने मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की थी। मतलब उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड मैं रिसेंटली शिफ्ट हुई थी। मैं मुंबई में मीरा रोड में रहती थी। फिर उसके बाद मेरे भाई का बिजनेस नवी मुंबई में स्टार्ट हुआ, तो उसके चलते मुझे नवी मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। मैं 10-12 साल से मीरा रोड में रह रही थी, तो मेरे स्कूल के फ्रेंड सबको ही उधर ही था, और कोविड के टाइम पे हम शिफ्ट हो गए। तो इतना लोनलीनेस, और क्या बताओ, मैं वो इतना ऐसा स्टेज था कि मुझे लगता था, मैं रोती थी कि क्यों मुझे यहाँ पे शिफ्ट करवाया गया। मैं वहां पे कितनी खुश थी एंड इतना अकेला फील होता था। कि उस टाइम पे मैंने फिर मेरा यूट्यूब स्टार्ट किया। अब मैं सोचती हूँ कि वो डिप्रेसिंग स्टेट था, लोनलीनेस का स्टेट था, बट जो था अच्छा था कि मेरा ये यूट्यूब उसके चलते ही स्टार्ट हुआ है। अगर मैं मेरे दोस्तों के बीच मीरा रोड में हम रहती है ना, मतलब दोस्तों के बीच, मतलब चहल मेहर, वहां पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे पास कोई कमी है, या कभी टाइम ही नहीं मिला कुछ अलग सोचने का, तो मैं कभी यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर पाती। बट जब मैं अलग यू नो लोनलीनेस स्टेट में रही, तब मुझे कमी फील हुई कुछ मेरे अंदर, एंड तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया। तो मुझे लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड मैंने सितंबर 2021 को मेरी कोई फर्स्ट सीएस की वीडियो डाली थी, तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ट्राईपॉड क्या होता है, कैमरा स्टैंड क्या होता है, रिंग लाइट क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने बस मेरे बेड के ऊपर चेयर रखी एंड चेयर पे ऊपर 3-4 पिलो रखे, पिलो के ऊपर मैंने सपोर्ट दे दिया मोबाइल का। मेरे पास ओप्पो का फोन था एंड यूट्यूब पे लैंडस्केप पे वीडियो बनाते, मुझे वो भी नहीं पता था। मैंने खड़े वर्टिकल पोर्ट्रेट में वीडियो बना ली, शूट कर ली एंड वही अपलोड भी कर ली। उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे बोला कि हॉरिजॉन्टल पे वीडियो बनाते यूट्यूब पे पोर्ट्रेट, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था ना, मेरे पास कुछ सामान था, मुझे पता ही नहीं था क्या क्या चाहिए होता है। बस मैंने वीडियो बनाई, कंटेंट मैंने सोचा, मैंने डाल दिया। वीडियो डालते ही ना क्या हुआ कि मैंने जैसे ही एक दो वीडियो डाली, तो मुझे आप लोगों के डाउट्स आना स्टार्ट हो गए। आप लोगों ने कमेंट्स में मेरे से डाउट्स पूछना स्टार्ट कर दिए। एंड यूट्यूब सारा इंटरेक्शन का गेम होता है। यूट्यूब पे जितना आपका इंटरेक्शन है, उतनी ज्यादा आपकी रीच होगी। तो आपकी इंटरेक्शन बहुत हो रही थी क्योंकि आप कमेंट्स में डाउट्स पूछे जा रहे थे। उसके चलते मुझे समझ भी रहा था कि हाँ, अब मुझे इस टाइप के दूसरे वीडियोस डालने हैं। एंड उस टाइम पे ना साइड बाय साइड मेरी जॉब भी चल रही थी, तो काफी सारे लोगों ने मुझे कहा कि यार तू ये क्या कर रही है, यूट्यूब यूट्यूब छोड़, ये यूट्यूब तू अपने जॉब पे ध्यान दे, यू आर अ प्रोफेशनल, तू जॉब पे मेहनत करेगी ना तो तू बहुत आगे जाएगी। बट सच बताऊ, पता नहीं, मैंने अपनों की भी नहीं सुनी एंड मैं यूट्यूब करती रही, क्योंकि मुझे यूट्यूब करने में जो खुशी मिल रही थी, सेटिस्फेक्शन जो बोलते हैं ना, वो मुझे यूट्यूब से मिल रहा था, बिकॉज मेरा पैशन फॉलो हो रहा था। मैं मुझे बात करना, मुझे मेरी एक्सपीरियंस शेयर करना बहुत पसंद है। एंड जो आपके कॉमेंट्स मेरे को आ रहे थे उस टाइम पे कि दी यू आर माई इंस्पिरेशन और दी यू आर सो मोटिवेटिंग, वो सब इतना अच्छा लगता था मुझे। ऐसा लगता था कि यार बस यही तो मुझे करना, यही चाहती हूँ मैं कि मैं किसी की हेल्प कर सकूँ एंड स्पेशली मेरी कम्युनिटी में, क्यों नहीं। तो मैंने किसी की नहीं सुनी, मतलब वो मोमेंट ऐसा था कि अगर खुद भगवान आके भी मुझे बोलते ना कि नेहा यूट्यूब छोड़ दे, मैं सच बता रही हूँ मैं नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था वीडियोज बनाना। मुझे फिर धीरे धीरे समझा कि अच्छा, मुझे ट्राईपॉड की जरूरत होगी, मुझे फिर समझा रिंग लाइट की जरूरत होगी। तो मैंने ना रिंग लाइट की, मतलब रिंग लाइट को क्या किया, लैम्प ले लिया, क्योंकि उस टाइम पे इतना वो नहीं था मुझे आइडिया कि प्रॉपर रिंग लाइट सर्कल वाली चाहिए रहेगी। मैंने सोचा लैम्प से भी काम चल जाएगा, तो मैंने स्टडी लैम्प ले लिया एंड मैं उसको हॉरिजॉन्टल रखती थी इस तरीके से मेरे इधर, और वो मेरे पे लाइट आता था।
तो इस तरीके से फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना यूट्यूब का थोड़ा वो था ना मटेरियल्स वो थोड़े बढ़ाए। फिर मैंने धीरे धीरे रिंग लाइट ली, फिर धीरे धीरे मैंने DSLR लिया, फिर उससे मुझे समझा कि अच्छा ऐसे प्रॉपर ट्राइपॉड लिया, फिर ऐसे प्रॉपर प्रॉपर करते यूट्यूब के, लाइक मैंने एक भी चीज़ जॉब के पैसे से ये सारी चीज़ें मैंने नहीं खरीदी, यूट्यूब के पैसों से ही मैंने यूट्यूब पे इन्वेस्ट किया है। रिंग लाइट हो गई, DSLR हो गया, आईफोन जो मैंने वो मेरे यूट्यूब के इनकम से ही लिया है क्योंकि मुझे वो यूट्यूब के शूटिंग के लिए चाहिए था। तो मुझे याद है जब मेरे फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स हुए थे उस टाइम पे आई वॉज ऑन Cloud 9, मतलब 1000 सब्सक्राइबर्स के मैंने केक कट किया था। मेरे को था कि बाप रे मेरे मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, क्या बात है, क्या मतलब इतनी खुश, क्या बताओ मैं आप लोगों को, मतलब एकदम सीना बोलते ना सीना ताड़ के मैं चलती थी कि हाँ मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स है, मुझे लगता था वाह तो क्या ही चाहिए। फिर 10,000 हो गए एंड आई वॉज लाइक है मेरे 10,000 हो गए, क्या बात है। ऐसे कर करके ग्रो हो गया, आज हम 1 लाख पे आ चुके हैं। एंड ये सारा मुझे लगता है क्रेडिट आप लोग को जाता है क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत 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 प्यार दिया है। एंड मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे थोड़े महीनों पहले तक तो पता भी नहीं था एंगेजमेंट क्या होती है। यूट्यूब में एंगेजमेंट टर्म होता है कि आपका एंगेजमेंट कैसा, एंगेजमेंट करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुझे तो ये सारी चीज़ें पता भी नहीं थी। तो मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रही, मुझे आप लोगों के साथ एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है, आई डोंट नो वाई, मुझे शायद ऐसे लगता है कि आप भी CS कर रहे हो तो मैं वो जर्नी से रिलेट कर पाती हूँ। आप भी CA कर रहे हो ना, प्रोफेशनल जर्नी है, तो मैं शायद आप लोग से कनेक्ट कर पाती हूँ। एज ए स्टूडेंट हमारे माइंड में क्या चलता है, ब्रेकअप्स होते हैं हमारे, फैमिली कभी हमें सपोर्ट नहीं करती, कभी कभी रिलेटिव्स के ताने मिलते हैं, दोस्त हमें कभी कभी धोखा देते हैं, हम फेल हो जाते हैं, ये सारी चीजों से मैं गो थ्रू की हूँ। तो मुझे कनेक्ट टू फील होता है आप लोग के साथ एंड मुझे आप लोग के साथ बात करना इतना अच्छा लगता है कि मैं ये वीडियो घंटों तक चला सकती हूँ, मैं बस आप लोग के साथ बात कर सकती हूँ, इसलिए मैं बार बार लाइव भी आती रहती हूँ। एंड जब भी मैं स्पेशल क्लास लेती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार बस यार ये तो बहुत मजा आती है आप लोग के साथ बात करने में, मुझे आप लोग के साथ आप लोग सबसे मिलना भी है बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है हाँ मेरे साथ आप सब हो, आई फील वेरी गुड एंड ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग मेरे अंदर हमेशा है। बट हाँ दो लोग हैं मेरे लाइफ में जिन्होंने मुझे यूट्यूब के स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत सपोर्ट किया है। पूरी दुनिया मुझे चाहे कुछ भी बोले यूट्यूब को लेके स्टार्टिंग में, अभी तो वो लोग भी बोलते हैं वाह वाह क्या बात है एंड ऑल, बट स्टार्टिंग में किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, सब मुझे उल्टा ही बोल रहे थे। एक ने तो ऐसे भी बोल दिया था कि तू प्रोफेशनल्स का क्यों नाक कटवा रही है यार, जॉब शॉप कर, अपना फॉर्म वर्म खोल, ऐसा भी हो गया था। बट दो लोग थे मेरे लाइफ में कॉन्स्टेंट जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया एंड उनके सपोर्ट के चलते ही मैं इतनी मोटिवेटेड रह सकी हूँ और मैं आप लोग के सामने अभी भी वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज आई थिंक बहुत हो गया, मैं अभी अनबॉक्स करती हूँ, ठीक है, बहुत खुश हूँ यार। ओके सो अनबॉक्स करते ही ये देखो यूट्यूब का कुछ लेटर है, ये लेटर है यूट्यूब से, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर, योर 100 योर और योर 1000 सब्सक्राइबर चांसेस आर यू डू एंड वी नो दैट यू विल डेफिनेटली रिमेम्बर योर 1 लाख सब्सक्राइबर। यूट्यूब इज सो क्यूट, सो स्वीट, वाओ बहुत अच्छा नोट दिया है उन्होंने मुझे। एंड हियर इज द ब्यूटी, मैं इसको टच करना चाहती हूँ। रिंग लाइट दिख रही होगी आप लोग को, सॉरी। प्रेजेंटेड टू CS नेहा पटेल फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर्स, कैसे मेरा है, कैन यू बिलीव इट, मैं नहीं बिलीव कर पा रही। और भी कुछ नोट आया है ये वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सब्सक्राइबर माइल स्टोन, वी आर ऑनर टू टेक पार्ट इन रिकॉग्नाइजिंग योर अचीवमेंट एंड वॉन्ट योर एक्सपीरियंस टू बी एक्सेप्शनल। मतलब 100 के हो जाते हैं ना यूट्यूब पे तब आपको ये मिलता है और आपके नाम के आगे भी टिक आ जाता है। ओ गॉड, ठीक है मैं कहाँ रखूंगी पता है, मैं आप लोग को बताती हूँ। सो जस्ट अ मिनट, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ये बाय द वे मेरा
सर्टिफिकेट है सीएस का। अच्छा छोटी नेहा को हटाने का टाइम आ चुका है एंड ये जो चीज है वो यहाँ आ जाएगी। दिख रही है आप लोगों को मेरा सिल्वर प्ले बटन? तो सिल्वर प्ले बटन को मैंने रख दिया अपनी जगह पे। ये छोटी सी नेहा को आइडिया भी नहीं था कि इसके 1 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, ये सीएस बन जाएगी, इसको रैंक आएगी, इसको इवेंट्स पे बुलाया जाएगा एज ए स्पीकर, मतलब इसको कुछ पता नहीं था। एंड मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि बचपन से ही ना मुझे थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी रही है। सो यस गाइस दैट्स इट, आई होप आपको मेरे इस अनबॉक्सिंग वीडियो में मजा आया होगा एंड कुछ तो आपको समझ आई होगी, मोटिवेशन मिली होगी मेरे इस जर्नी से। पता नहीं जो भी था मैंने एकदम फ्रैंक होके बोला, मैंने इसके इस स्क्रिप्ट के लिए कुछ प्रिपेरेशन भी नहीं की थी, इट वॉज जस्ट हार्ट टू हार्ट टॉक। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आई होप बहुत ही जल्द हम और भी बहुत सारी चीजें अचीव करें एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? सो बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।